की सरकार क्या जाति कर रही है मुसलमानों के ऊपर, खत्म कर। बाबा का एक टारगेट है, सत्य है, उसमें उसमें आप कोई भी नकार नहीं सकता है। आपको मिट्टी में मिटाऊंगा उसमें, और उसमें गलत क्या है? अगर आतिक अगर हमारे बारे में कहीं इधर उगल देगा, मुंह खोलेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने गोली मारी होगी। आरोप लगाने का अधिकार सबको है। आरोप तो हमारे प्रधानमंत्री तक के लग गए थे, उनको खूनी दरिंदे तक लोगों ने कहा था। आतिक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या हुई है और वो पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, और इस पे सवाल या निशान लग रहे हैं सरकार के ऊपर। और ये हम जब चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा के दौरान हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि वाकई में एक्चुअल में जो है वो जो मत है लोगों का, वो कहां तक तथ्यात्मक तौर पे सही है और कहां तक गलत है, लोगों का क्या कहना है। हम चर्चा करें, हमारे साथ बीजेपी नेता है मनोज बरोट। बरोट जी आपका स्वागत है। एक चीज बताइए, आतिक अहमद का जो प्रकरण है ये तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है, आप महाराष्ट्र के नेता है, लेकिन चूंकि पूरे देश का इस समय सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? योगी सरकार क्या जाति कर रही है मुसलमानों के ऊपर, या फिर सेलेक्टिव हो चुकी है, मारना चाह रही है? आपका क्या मत है? नहीं, कतई नहीं। देखिए, आप योगी सरकार के ऊपर आरोप लगाने वाले को आरोप लगाने का, वो देखिए उनका मुंह है, वो आरोप लगा सकते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, जो आज वहां पे जो कल परसों की जो घटना, उसका मैं कतई उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब पुलिस की कस्टडी में लोग थे, उसके साथ ये घटना घटी है, तो ये घटना जो है उसका जांच का विषय है। तो योगी जी ने जो उधर जो दोषी अधिकारी थे उनको तो भी सस्पेंड करवाया है। अभी आप ऐसे जो आज लोग बोल रहे हैं कि बाबा इस तरह से मतलब इनको खत्म कर, बाबा का एक टारगेट है, सत्य है, उसमें उसमें आप कोई भी नकार नहीं सकता है। उन्होंने सीधा मतलब हाउस के अंदर बोला है कि जो भी है सब दहशतवादी, माफिया को मिट्टी में मिटाऊंगा, उसमें और उसमें गलत क्या है? लेकिन अगर जहां पे ये इस तरह के जो आवाज आज कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे, पुलिस वहां पे है और उसके साथ अगर ये कार्रवाई ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप बाबा के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे? हो सकता है कि वहां के जो भी है विरोधक, वो उनको भी ये डर हो कि कहीं ना कहीं आतिक अगर हमारे बारे में कहीं इधर उगल देगा, मुंह खोलेगा, तो उसके लिए भी उन्होंने गोली मारी होगी। आज मुझे बताइए, यहाँ बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, अखिलेश यादव की पार्टी से हो रहे हैं और आपका इशारा कहीं अखिलेश यादव तरह उन्होंने ऐसा करवाया आपको? मैं अखिलेश यादव नहीं, वो कोई भी रहने दो, कहीं ना कहीं देखो ये जो ऐसे गैंगस्टर होते हैं वो उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्शन होता है, तो कहीं उनको ये डर हो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भाई अभी बाबा का राज है, तो बाबा के राज में किसी का भी कुछ चलने वाला नहीं, जो भी गुनेगार होगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी खुला बोला है कि भ्रष्टाचारी को कतई, और भ्रष्टाचारी ऐसे दरिंदों को कहीं पे भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये उनका खुला इशारा है प्रधानमंत्री का। आतिक अहमद और अशरफ का मानवाधिकार भी है ना उसमें, बहुत लोग मानवाधिकार की, अरे मानवाधिकार, ऐसे लोगों का मानवाधिकार की आप बात करते, जब उन्होंने हजारों लोगों को ऐसा, वो देख पाल को जब उधर सड़क पे मारा तब मानवाधिकार कहाँ गया था? अरे इतने जब वहां के राज्यपाल को मारता है तब उसका मानवाधिकार कहाँ गया था? ये जनता ने है ना अपना जो मुंह है ना, मतलब सच्चाई के साथ उन्होंने खड़ा रहना चाहिए। आज मैं जो पूरे देश में क्या विदेश में भी इसी चर्चा रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पालघर के अंदर जब साधुओं की हत्या हुई थी, तब इनको सबके मुंह पे लकवा लग गया था क्या? मतलब खाली उनके जो है, देखो ये हिंदू मुस्लिम समर्थन करते हैं इस हत्या का? हत्या का मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो आप एक देखो कुदरत का एक न्याय होता है, अगर आप गोली लोगों को मारोगे तो आपकी जो है ना उसका जो ऊपर वाला जब न्याय करता है उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, और वो जो जिस जैसे आपके कर्म है उसका फल आपको उसी रास्ते से आपको मिलेगा। यानी वो कुख्यात था, गैंगस्टर था, और उसकी हत्या का जो हत्या का जो तरीका है, वो हथियारों ने जो अपनाया है वो भी गैंगस्टर होंगे या इस तरीके से कुछ? वो तो खुला बोल रहे हैं ना कि वो जो, मैंने ऐसे कहीं से तो पढ़ा ऐसा कि भाई वो उनके ऊपर भी वो भी है, कथित आरोपी है वो लोग, और वो बोलते हैं कि हम भी अतिक की तरह बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हैं। अभी उसकी मंशा अगर ये है, अभी वहां पे जो है वो जांच का विषय है कि उन्हें जो भी है वो बाइक भी कोई था तो कोई। देखिए इसमें कई चीज गंभीर सवाल है, आप देखिए कि उसमें कह रहे हैं कि गोली, पुलिस को गोली भी चलानी चाहिए थी, और या फिर पुलिस को उसमें संज्ञान लेना चाहिए था, पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं। देखिए कभी कभी ये भी होता है ऐसा, नहीं मैं अभी 40 सेकंड का विषय था, उन्होंने पुलिस ने तो उनको सर पकड़ लिया, ऐसा तो नहीं पकड़ा है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि पुलिस भी तो भाई देखो पुलिस भी तो इंसान है ना, आज आप देख रहे हो उनको गुजरात से यूपी, यूपी से गुजरात, उनको भी आना जाना पड़ रहा है, और ऐसा और कोई वो महापुरुष नहीं था ना, वो था तो आखिर दरिंदा ही था ना लोगों को, जिसको आज मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं गोली मारता हूँ तो मुझ पर गोली चलेगी तो उसमें आपके परिवार को तो खुशी मिली ही होगी ना। बिल्कुल, तो उसमें जो भी है पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने उनको जो भी तीनों आरोपी है उनको पकड़ा है, और अभी जो है न्यायालय का जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो सही होगा।
तो कुल मिलाकर जो अतीक अहमद या अशरफ अहमद या उसके लड़के की जो जिस तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया, कहा जा रहा है कि इसमें सरकार का हाथ है। देखिए, आरोप लगाने का अधिकार सबको है। आरोप तो हमारे प्रधानमंत्री तक के लग गए थे, उनको खूनी दरिंदे तक लोगों ने कहा था। तो जो है सच्चाई तो आज दुनिया उनके सामने सलाम करे। अगर खूनी दरिंदा रहता तो आज उनको आज दुनिया उसके सामने नतमस्तक होकर उनको सलाम नहीं करती थी। इसीलिए आरोप लगाना आसान होता है उसको, जो सरकार चलाता है उसको मालूम है कि किस राज्य में कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखना है। वो जो चलाता है उसको अच्छी तरह से पता होता है। वो जो काम है योगी बाबा जो भी करेंगे योग्य ही करेंगे। आपने कल का एक इंटरव्यू देखा होगा, कुछ मुस्लिम महिलाओं ने तक ने बोला है कि हम है ना ये लोग मायावती और अखिलेश अगर मत मांगने आएंगे तो उसको चप्पल से मारेंगे। हम कल एक वीडियो वायरल हुआ है। तो देखो यूपी की जनता जब उनके बाबा के साथ खड़ी है, ये वही लोग थे जहां पे वो दफन हो रहे थे, वही लोगों ने बयान दिया। तो जब यूपी की जनता बाबा के साथ खड़ी है, ये विरोधकों को कुछ नहीं, कहीं ना कहीं योगी सरकार को बदनाम करने का काम वहां पे बैठे लोग, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता अब हमके मिलने वाली नहीं, तो योगी सरकार को कैसे मतलब उसका डिफेम किया, वही उसमें प्रयत्न में चले। लेकिन जो सच्चाई है वो योगी सरकार में जो भी सच्चाई है वो आज नहीं तो कल बाहर आएगी।